गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना नया सेटअप, अपना नया जो मेरा ऑफिस है, मतलब जहाँ पे मैंने इस ये फ्लैट है 1 BHK, इसको मैंने लिया है। तो इसका दिखाने वाला हूँ कैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ और कैसा ये दिखता है। वैसे वीडियोस में तो मैंने कभी नहीं दिखाया, लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने अपने पुराना वाला घर दिखाया था, मतलब पुराना वाला ऑफिस। आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि जो रिसेंट जो मैंने अभी 1 महीना कम्प्लीट हुआ है, आज 24 है राइट, तो 24 को 1 महीना कम्प्लीट हो गया और थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा ये लगता है और कहाँ बैठ के मैं वीडियोस बनाता हूँ सारा कुछ। चलिए देखते हैं कि किस तरीके का मेरा जो ऑफिस है, सेटअप है, वो कैसा दिखता है राइट। तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आप उसको देख सकते हैं राइट। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने में तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप एक नए मेहमान हैं, पहली बार चैनल पर हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दो यार, थोड़ा सा अच्छा फील होता है और जो मेहनत करके हम वीडियोस बनाते हैं तो वो सार्थक हो जाती हैं। तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए वीडियो को और चलिए आगे देखिए वीडियो को, मेरा जो सेटअप है। देख सकते हैं आप, यहाँ से एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम सब एंटर करते हैं। एको बहुत ज्यादा है यहाँ पे, चलिए मैं गेट को बंद कर देता हूँ। तो गेट यहाँ बंद हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वॉश बेसिन अच्छा नहीं है, एकदम बेकार सा लग रहा है क्योंकि मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, अपने घर पे रहता हूँ, सिर्फ वीडियो शूट करने आता हूँ। ये कुछ बालकनी है, मतलब बालकनी जैसी, ये खोलोगे तो बाहर दिखेगा, इसके नीचे ब्यूटी पार्लर है कुछ, है ना। और ये वॉशरूम है, शार्क बनी हुई है देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ से ऐसे दिखता है, ये कुछ पर्दा सा लग रखा है यहाँ पे ऊपर, कुछ ऐसे दिखता है ये। और पानी तो भाई इसी से पीते हैं, तो इसी से डायरेक्टली मैं अपनी बोतल में पानी भर लेता हूँ और डायरेक्ट इससे ही पानी पिया जाता है मतलब यहाँ पे। और ये मेरी कुछ जो चप्पलें हैं, ऑफिस चप्पल, ये हमारा वाईफाई का केबल पूरा यहाँ से गया हुआ है आप देख सकते हो। ये मतलब थोड़ा महलो टाइप की फीलिंग आती है इसको देख के, जो लोगों ने एकदम उस पर बनाया हुआ है, अब देख सकते हो शेर वेर बना रखा है कुछ, बहुत अच्छा है मतलब। उसके बाद फिर यहाँ पर्दा मैंने लगा रखा है क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो ये देखो, तभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मेरा हॉल है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा एक हॉल है। यहाँ पे अपना सोफा है जिसपे बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है मैकबुक एयर 2017, यहाँ पे मेरा सिल्वर प्ले बटन, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्टिफिकेट है, ये जब हम मीटअप गए थे तब मिला था। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है, मैं कहीं गया था एक इवेंट में मुंबई में, 2018 की बात है। अपना मैकबुक, ये डायरी है जिसमें कि मैं सारा अपना लिख विख लेता हूँ। इस सोफा जो हमें यहीं पे मिल गया, मैंने इसको खरीदा नहीं है, ये जिन ओनर है उनका ही सोफा है, तो उन्होंने पड़ा हुआ था, उन्होंने बोला यूज कर लो, बोला ठीक है। अब थोड़ा सा इस साइड में आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे रहता है मेरा कैमरा, आप भी देख सकते हैं, अभी तो चल नहीं रहा है, बंद है, अभी मेमोरी कार्ड ही नहीं होगा इसमें। तो ये मेरा कैनन 200D है जो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था, और ये मेरा ट्राइपॉड है, ये इसका नाम बड़ा था सोनिया का PH770, सोनिया का PH770 मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये अपनी एक लाइट है जो लाइट में यूज करता हूं, उसका स्टैंड है, आपको जला के दिखाते हैं कैसे दिखती है, वाओ। तो अभी हमारी जो लाइट है वो जल चुकी है, आप देख सकते हो पीछे मेरा कैमरा रहता है यहाँ पे, और ये अपनी लाइट है। आगे से कुछ इस तरीके से दिखेगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि काफी तगड़ी वाली लाइट है, नीचे आपको इस तरीके से दिखता है। चलिए लाइट बंद कर देते हैं। अगर लाइट में आप देखोगे तो ये सेटअप मेरा कैसा दिखता है, तो
यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका पर्दे वाला सेटअप भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा ठीक ठाक आता है। अब लाइट मैंने बंद कर दिया है तो ये कहानी है अपनी। अब मैं टेबल पे क्या क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट में गया था जिसमें एनरिचमेंट बिगिंस विदिंग 2019 में, तो वहां पे मैं स्पीकर था। यहाँ पे भी एक हमको कुछ ट्रॉफी वॉफी मिली है, ये अभी इतने किया था, अनलॉक द सक्सेस विद इन। यहाँ पे कृष्ण भगवान है, यहाँ पे कुछ ये ट्राईपोड है और ये कुछ बुक्स हैं, ये मेरा चार्जर है आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बुक्स वुक्स हैं जो मैंने वीडियो में भी बताया था, उन बुक्स को आप सब देख सकते हो। अब इन बुक्स की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये मेरा कैमरे का बैग है, मेरा बोया, ये मेरा बोया बाय M1, जो मेरा माइक है मैं यूज करता हूँ, लेवलियर माइक। तो आप सब, ये मेरा चार्जर है। यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है जो चेयर ठीक ठाक है, मतलब बैठने लायक है। यहाँ पे मेरा वाईफाई है नीचे, यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ पे इसका पूरा वायर आप देख सकते हो, यहाँ से ऐसा दिखता है। तो गाइज ये है मेरा हॉल जहां पे बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, ऊपर कुछ इस तरीके से दिखता है और आपने सोफा भी देख लिया और हमारा मैक वैक भी देख लीजिए। अब यहाँ पे आता है हमारा किचन। किचन में कुछ नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे बनाता बनाता तो हूं नहीं, मैं मेरा घर है, मेरी पूरी फैमिली वहां पे है। यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, ये वॉश बेसिन है। यहां से थोड़ा सा प्रोफेशनल दिख रहा है राइट, यहां से अपना सेटअप। और ये लास्ट बार में जो एको रिमूवल, क्या बोलते हैं इसको, एको बस्टर अकूस्टिक के, मैं लाना भूल गया, वहां पे लगा हुआ था, मैंने निकालना ही छोड़ दिया, मैंने जान दो अब कौन निकालेगा। तो ये दो मैं निकाल के लाया था तो दो यहां लग गए हैं। बाकी यहां पे एक अलमीरा है जो कि यहीं पे मुझे मिली है, खाली है, अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चेयर है जिसपे मेरा बैग रखा रहता है। यहाँ पे हमने एक झोला टांग दिया है जिसके अंदर बहुत सारा कुछ सामान होगा, गोयल साड़ीज राइट। तो अब यहाँ पे कुछ इतना सामान है। फिर यहाँ पे एक आता है, एक और रूम है यहाँ पे। तो ये जो रूम है ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, बट ये बहुत बड़ा रूम है। लाइट जलाते हैं हम, वाह, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा रूम है और एको आ रही है, खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, कबाड़ा है। यहाँ पे पूरा इस तरीके से है ये, तो हम चलते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, जस्ट अभी कभी यूज करना हुआ तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, नहीं तो अभी तो फिलहाल अपना सेटअप सारा यहीं पे चल जाता है, सारा काम यहीं से हो जाता है। तो गाइज यही था अपना सेटअप, अभी बेसिक सा सेटअप है, ज्यादा अच्छा नहीं है। और एको ना आए मेरी वीडियोज में, उसके लिए मैं ये एक गद्दा देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने डाल रखा है, तो ये ज्यादा प्रोफेशनल सा तो नहीं है। बस मेरा एको रिमूव करने के लिए एक मैंने मेरे घर पे पड़ा था मैंने डाल दिया। एक यहाँ पे दरी मैंने डाल रखी है जिससे कि एको खत्म हो, जितना भी एको यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना ये, तो यहाँ पे साउंड बहुत ज्यादा गूंजता है, तो उसको कम करने के लिए मैंने बोला जितना सामान इसमें हम भरेंगे, जितना ज्यादा हम इसमें सारी चीजें डालेंगे तो इजी रहता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइट भर दी, जो भी मुझसे आता है थोड़ा बहुत, इवन सब जगह बुक्स में घर से लाके रख दिया मैंने। तो कोशिश यही रहती है कि भाई जेन्युइन कंटेंट आप सभी के लिए बनाए, अच्छा कंटेंट बनाए। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गर्मी बहुत लगती है। गर्मी कैसे, जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं पंखा ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे जो फैन है वो ऑफ हो जाता है, और यहाँ पे साउंड ना आए उसके लिए मैं पूरा पैक कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, पर्दा लगा देता हूँ, तो पसीना बहुत आता है। तो आपने देखा होगा गर्मी में वीडियोस आप सभी के लिए बनाता हूं मैं, तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, जो भी आपकी फीडबैक हो, तो आप वीडियोस में बिल्कुल बताइए और वीडियो को लाइक भी किया करिए। तो आप जब कमेंट करते हैं वीडियोस पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो आप सभी भी हमारी वीडियोस पे हमेशा कमेंट करिए और इस वीडियो में भी कमेंट करके बताइए कि मुझे और किस किस तरीके से मैं अपना एको खत्म कर सकता हूँ अपने इस वीडियोस में। अगर मैं अकूस्टिक मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये कौन खरीदे, इतना लगाते लगाते एक दिन लग जाता है, तो इसके अलावा कोई और जो मेथड आप बताएं मुझे कि मेरा एको खत्म हो यहाँ पे। हालांकि एको नहीं आता क्योंकि मैं अपना साउंड इस सिस्टम में रिकॉर्ड करता हूँ, माइक को डायरेक्ट वहां पे कनेक्ट करता हूँ। और भी माइक है इसमें, बहुत सारे माइक्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो माइक तो बहुत सारे हैं भाई। यहाँ पे किट लेंस पड़ा हुआ है इसमें, और माइक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लैव माइक यूज करूँ, ये वाला माइक भी हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद डेड कैट है यहाँ पे जो भी यूज कर सकते हो, और एक दो माइक और हैं जो घर पे पड़े हैं मेरे। तो बस गाइज यही था अपना सेटअप, यहीं पे बैठ के मैं वीडियोस बनाता हूँ आप सभी के लिए, और अभी फिलहाल के लिए तो यही सेटअप है। इन फ्यूचर अगर हम अपग्रेड करेंगे और सारी चीजें,
तो बिल्कुल आपको बताएंगे। अभी मैंने लाइट खरीदी है एक, ये वाली लाइट आपने देखी थी, तो ये लाइट मुझे पड़ी थी 8,000 रुपए की। तो ये सिंगल, इसमें चार अंदर बल्ब है और कुछ नहीं है, बाकी CFL है। ठीक है, अभी के लिए तो सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज्यादा कम थी। यहाँ पे एक ही ट्यूबलाइट है, ये जो सामने है, और ऊपर छोटी मोटी लाइट्स आप सब देख सकते हो, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। तो मेरे को लगा कि नहीं, चलो लाइट परचेज करते हैं, और सही है, अभी तक तो सब बढ़िया ही चल रहा है। बाकी इन फ्यूचर और सारी चीजें और गैजेट्स में परचेज करूंगा, तो वो सभी भी मैं आपको दिखाता रहूंगा अपने चैनल पे। तो गाइज यही था मेरा सेटअप, अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसे लगती हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने और सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। और कोई अगर आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन जो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोज में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, AKA अमित मिश्रा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।